जैसे कल आप लोग को इश्यू ऑफ सेल बताए थे, तो इश्यू ऑफ सेल में आपको बेसिकली बताए थे एट पार के तहत कुछ क्वेश्चन, जिसमें इक्विटी शेयर का क्वेश्चन था और प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिएगा, क्योंकि कल क्वेश्चन 5 हुआ था। 6 क्वेश्चन बेसिकली इजी है, सिर्फ लिख देंगे बन जाएगा। तो 6 में क्वेश्चन हमारा बोला है कि 5000 इक्विटी शेयर है और इसका रेट जो है वो हमारा 10 ईच है, जिसमें एप्लीकेशन बोला है हमारा 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज अलॉटमेंट बोला है हमारा 3 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल बोला है हमारा 3 रुपीज पर शेयर, फाइनल कॉल बोला है हमारा 2 रुपीज पर शेयर, मतलब बैलेंस। तो गौर कीजिएगा, 2 रुपीज है, 3 रुपीज है, 3 रुपीज, 2 रुपीज है। तो बेसिकली यह क्वेश्चन जो बनेगा वहां पे एप्लीकेशन का एंट्री होगा, अलॉटमेंट का एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री होगा, फाइनल एंट्री होगा। एप्लीकेशन का एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का होगा इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल का एंट्री होगा हमारा इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फाइनल अकाउंट, एंट्री बन जाएगा। क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन बोला हमारा कि मोहन लिमिटेड 2 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल, मतलब मोहन लिमिटेड है जिसके पास ऑथराइज कैपिटल जो है वो है 2 लाख रुपीज, कितना है बोला डिवाइडेड है हमारा 20,000 इक्विटी शेयर में और इसका रेट जो दिया है वो रेट दिया है हमारा है कितना सर 10 इंच, कितना दिया सर, लेकिन बोला हमारा कि 12,000 इक्विटी से इशूड, हमारा इशूड जो कर रहा है 12,000 इक्विटी शेयर इशूड कर रहा है, क्या कह रहा है, जिसमें एप्लीकेशन जो दिया है वो दिया है 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट दिया है 4 रुपीज पर शेयर और फर्स्ट फाइनल दिया है 4 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे बेसिकली एंट्री आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है आपका फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड है, तो एंट्री जब करेंगे तो वहां करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारा प्रीमियम से रिलेटेड है, तो पहले जान लीजिएगा कि जो एट प्रीमियम जो होता है एट प्रीमियम, इस प्रीमियम का यूज होता है बेसिकली अलॉटमेंट के साथ, इस प्रीमियम का यूज होता है किस साथ है अलॉटमेंट के साथ, और हमेशा अलॉटमेंट जब होता है तो अलॉटमेंट के तहत इसका एंट्री जो होता है वो चेंज करेगा हमारा थर्ड एंट्री, कौन एंट्री, तो बेसिकली थर्ड एंट्री जो होता है हम लोग का वो होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम, बाकी आपका बैंक एंट्री सेम होगा, फर्स्ट एंट्री सेम होगा, फाइनल एंट्री सेम होगा। तो कंडीशन यहाँ पे करना क्या है सर, बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक कंपनी है 10,000 शेयर इशू कर रहा है, एक कंपनी जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और इसका रेट जो है वो 100 है, कितना सर, आपका प्रीमियम दिया है 20 रुपीज, गौर कीजिएगा प्रीमियम दिया है 20 रुपीज। यहाँ प्रश्न बोला है कि प्रश्न बोला हमारा फाइंड जनरेटरीज, प्रश्न बोला हमारा कि द होल अमाउंट द पेबल एप्लीकेशन द इश्यूअर सब्सक्राइब, तो यहाँ प्रश्न गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो रेट 100 है प्रीमियम 20 है, लेकिन जो 100 जो रेट दिया है ना तो बटा हुआ है ना तो एप्लीकेशन ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट ना, तो यहाँ पे बेसिकली एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी करना क्या है यहां लिखेंगे 10,000 × 100 ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, कितना हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 10,000 × 20 ये हो जाएगा 2 लाख, जोड़ दें कितना होगा सर हमारे
12 लाख कितना है सर? 12 लाख, क्योंकि 10 साल तो कितना होता है सर? क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन 9 जो बोला है, बोला हमारा कि एक कंपनी है जिसके पास ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है। एक कंपनी है जिसके पास ऑथराइज कैपिटल कितना है सर? 10 लाख रुपीज है। 10 लाख रुपीज है। प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि डिवाइडेड है 10,000 शेयर में, डिवाइडेड जो है वो 10,000 शेयर बटा हुआ है और इसका रेट दिया है आपका 100 ईच। कितना दिया सर? 100 ईच। प्रश्न में साफ साफ बोला है प्रीमियम दिया है 5 रुपया। प्रीमियम कितना दिया सर? और बोला है इश्यू किया है हमारा 8,000 शेयर, 8,000 जिसमें एप्लीकेशन दिया है हमारा, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है और फाइनल कॉल दिया है। तो रेट दिया है एप्लीकेशन का दिया है हमारा, गौर कीजिएगा, एप्लीकेशन 30 दिया है, अलॉटमेंट 35 दिया है और बोला इंक्लूडिंग, क्या बोला सर? फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल, लेकिन नीचे लिखा है कि 7500 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, 7500 से एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऑल मनी ऑल। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में शेयर इशू किया 8,000, कितना इशू किया, लेकिन वो प्राप्त कितना करा है? 7500 शेयर, कितना शेयर? 75 शेयर। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ना तो 10th बनेगा ना तो 8th बनेगा, सारा क्वेश्चन से बनेगा। तो जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री करेंगे बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन ऑल, तो 75 × 30। दूसरा एंट्री करेंगे तो भी करेंगे इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी करेंगे 75 × 30। जब थर्ड एंट्री करेंगे तो थर्ड एंट्री ये सेम एंट्री करेंगे, एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे हमारा 10,000 × 7,500 × 35, तो ये होगा 2,62,500। क्लियर? यहाँ होगा 7,500 × 5, ये होगा हमारा 37,500, तो यहाँ बचेगा 2,25,000। जब हम इसका अलॉटमेंट का बैंक करेंगे तो नॉर्मली एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे 7,500 × 35। जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो 75 × 20। जब छठा एंट्री करेंगे तो वहां भी करेंगे 75 × 20। जब सातवां एंट्री करेंगे फाइनल कॉल का तो वहां भी करेंगे 75 × 20। और जब लास्ट एंट्री करेंगे बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी से फाइनल कॉल तो वहां भी करेंगे 7,500 × 2। तो बेसिकली ये आपका कंप्लीट एंट्री हुआ, कोई दिक्कत? अगला टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन में वो दिया अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, लेकिन इसमें एक टॉपिक दिया है एरिया के बारे में, तो ये जान लीजिएगा कि एक होता है हमारा कॉल इन एरिया, कॉल इन, और एक होता है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर जो होता है जिसको हम नॉट पेड कहते हैं, क्या कहते हैं? एडवांस जो इसको हम कहते हैं पेड। जब एरियर दिया गया हो नॉट पेड तो उस कंडीशन में माइनस होगा एडवांस, और क्या होगा? दोनों का यूज हमेशा बैंक में ही करते हैं, क्या करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो बोला है बहुत सिंपल बात बोला है, बोला है एक कंपनी है 10,000 शेयर है, एक कंपनी है 10,000 शेयर है, इसका रेट दिया है 10 ईच, कितना ईच? 100 ईच। कितना ईच दिया सर? 100 ईच। एप्लीकेशन दिया है हमारा 20, एप्लीकेशन दिया है हमारा 20, अलॉटमेंट दिया है 30, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना दिया सर? 50। कितना दिया सर? 50। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे एक प्रश्न में एक बात बोला है नीचे कि 9,000 शेयर
एप्लीकेशन रिसिप्ट क्या है, एप्लीकेशन रिसिप्ट क्या है, और बोला है 400 शेयर नॉट पेड, नॉट फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड। तो जब हम एंट्री करेंगे तो सारा क्वेश्चन बनेंगे 9000 से, क्योंकि यहां साहब से बोला है रिसिप्ट के साथ ऑल लिखा, मतलब सारा क्वेश्चन किसे बनेगा। तो जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री करेंगे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट 9000 × 20, दूसरा एंट्री भी करेंगे 9000 ×, तीसरा एंट्री भी करेंगे अलॉटमेंट का 9000 ×, जब चौथा एंट्री करेंगे तो करेंगे 9000 × 30, जब पांचवा एंट्री करेंगे तो करेंगे 9000 × 50, क्योंकि कंबाइंड ही है। इसका एंट्री होगा हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। जब हम छठा एंट्री करेंगे, काउंट करें तो छठा एंट्री आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करना क्या है, 9000 में चला गया 400, बचा 8600 × 50, ये इंटू का निकलेगा 4। यहाँ पर लिखेंगे सर, यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 9000 × 30 50, ये होता है हमारा 450000, 4 लाख। यहाँ पे क्या करेंगे, 400 नहीं दिया तो 420 कितना हो गया मेरा, 20000 कितना हो गया सर, तो यहाँ बचा कितना, 430000 कितना बचा, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम नियम होता है इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 450000 यहाँ 20000 है, तो कितना कम है, 430000। क्वेश्चन नंबर 10 यही बना है, 10 चलिए क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 बोला हमारा कि प्रश्न में नीरज लिमिटेड कंपनी है, ध्यान सुनिए, नीरज लिमिटेड कंपनी है 10000 इक्विटी शेयर है, इसका रेट जो दिया है वो रेट दिया है हमारा 10 इंच, कितना दिया सर 10 इंच, जिसमें एप्लीकेशन दिया हमारा 2 रुपीज, डेट दिया है 1 अप्रैल 16, अलॉटमेंट दिया है हमारा 3 रुपया, और जुलाई डेट दिया है 1 जुलाई 16, फर्स्ट कॉल दिया हमारा 2 रुपया, कितना सर, इसका डेट दिया हमारा 1 अक्टूबर 16, 1 अक्टूबर 16। तो जैसा हमारा दिया है कि 10000 इक्विटी शेयर 10 इंच, एप्लीकेशन दिया 2, डेट दिया है 1 अप्रैल 16, 1 जुलाई 1 अक्टूबर, और फाइनल कॉल दिया है हमारा कितना रेट दिया है, फाइनल कॉल रेट भी दिया 3, 1 दिसंबर 16। प्रश्न में साफ साफ इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है, दिया सर इंटरेस्ट का रेट दिया है 10%, कितना परसेंट, प्रश्न बोला है कि 500 जो है वो नॉट पेड कर रहा है, सबसे बोला है हमारा क्वेश्चन में कि 500 शेयर नॉट पेड, फर्स्ट एंड फाइनल कौन फाइव एंड से सबसे बोला है हमारा कि कहा नहीं दिया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो एक बात यहां पे कि प्रश्न में यहां पे मंथ दिया है, तो जब मंथ दिया रहेगा तो वहां पे इंटरेस्ट एंट्री करेंगे, रेट नहीं देगा तो 12% रेट देगा, तो ये रेट होगा फिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा 10000 से, किसे बनेगा, तो जब एंट्री करेंगे पहला एंट्री, तो पहला एंट्री होगा 10000 × 2, दूसरा एंट्री होगा हमारा 10000 ×
तीसरा एंट्री होगा हमारा 10,000 × 3। जब चौथा एंट्री होगा अलॉटमेंट का तो 10,000 × 3 इक्विटी से अलॉटमेंट टू कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग फर्स्ट कॉल का करेंगे, हाँ जब अलॉटमेंट का 4 एंट्री करेंगे ना सर, तो वहां पे बोला है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, नॉट पेड कर रहा है, तो वहां पे यदि आप एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट, वरना सिंपल एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे करना क्या है कि 10,000 में डेट कितना जाएगा सर, 500 कितना हो जाएगा, 9,000 इंटू कितना हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 27,500। और यहाँ देखिए कितना होता है, 30,000 कितना होता है, 30,000। तो गौर कीजिए कि यहाँ 2,500 का अंतर है, 2,500 का अंतर है। तो यहाँ पे एंट्री करना है तो सिंपल कर दीजिए बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, वरना एंट्री कर सकते हैं तो कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट यहां लिखेंगे 10,000 × 3 कितना लिखे, 30,000। यहां लिखेंगे 500 × 3 कितना लिखेंगे, 1,500 कितना लिखेंगे सर, 1,500 कितना लिखेंगे सर, अब बराबर नहीं तो कितना कम है, 28,000। तो गौर कीजिए हमारा कितना है, 28,000। तो सिंपल ये मिलेगा, सिंपल ये कर सकते हैं, दोनों मुझे कीजिए आप, एक रहने देते हैं, अप्लीकेशन टू ही है सर, है ना। जब करेंगे फर्स्ट कॉल एंट्री तो वहां पे क्या करेंगे, 10,000 × 3 × 2 लेकिन जब छठा एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल, तो यहां डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 10,000 में कितना गया, 500, तो बचा 9,000। तो ये होता है 20,000, कितना होता है, नहीं यहाँ कितना होता है सर, 19,000। तो यहाँ पे एरियर शो नहीं किए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए बैंक ऑन डेबिट टू से फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ एरियर पुट कर दिए, तो दोनों जो एंट्री कीजिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे सर तो कम रहा है 1,500, यहाँ कितना हो रहा है, 1,000। और लास्ट जब फाइनल एंट्री करेंगे तो लिखेंगे 10,000 × 3, और जब आठवां एंट्री करेंगे तो वहां भी करेंगे 10,000 × 3। जब आप इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे, तो करेंगे इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, हमारा इंटरेस्ट निकलेगा सर, तो इंटरेस्ट निकलेगा तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है सर, 1,500 कितना हो रहा है सर फर्स्ट कॉल में, सबसे पहले हो रहा है फर्स्ट कॉल में, क्या हो रहा है सर, तो फर्स्ट कॉल में कितना होगा सर, 1,500। तो 1,500 इंटू कितना रेट है हमारा, 10%, कितना परसेंट है, और नहीं एक फर्स्ट में है ना, एक हमारा फर्स्ट में है, एक अलॉटमेंट में, मेरे मेरे किस में सर, अलॉटमेंट में, और दूसरा कहाँ है सर, फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में कितना कम है, 1,000, 10%। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे कि आपका एरियर दो जगह है, एक अलॉटमेंट और एक फर्स्ट कॉल, एक अलॉटमेंट और एक फर्स्ट, इसका संबंध जो हमारा है इस संबंध जो होगा हमारा फाइनल कॉल किससे होगा सर, तो कैसे डेट निकलेगा, सबसे पहले इसमें डेट निकलेगा अलॉटमेंट टू फर्स्ट, अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कितना महीना होता है, 7 से 10 कितना महीना, 7, 8, 9 तीन महीना हुआ सर, 10 तो लेंगे, 10 शुरुआत डेट है, तो कितना लेंगे, 11 शुरुआत डेट है, 3/12। गौर कीजिए यहाँ पे 1, 10 है ना, अक्टूबर है, तो 7, 8, 9 और यहाँ पे कितना मत लेंगे, 10 से 12 में 10, 11, 12 तो लेंगे नहीं, कितना महीना, इसको काटते हैं 0 जो कट गया, इसको काटते हैं 4, ये होता है 150/4, ये होता है 37.5, पहला कितना होता है 37.5, और अगला हम काटते हैं 0 कट गया तो निकलेगा 200/12,
तो 12 काटते हैं, 12 कम 12 बचा 8, बचे 72। नहीं नहीं छोटी सर, यहाँ पे भी डेट होगा हमारा अलॉटमेंट टू, एक मिनट डेट गलत किए हैं, अलॉटमेंट टू फर्स्ट, अलॉटमेंट टू फर्स्ट 7, 8, 9। यहाँ क्लोजिंग डेट दिया क्या, एक मिनट के, यहाँ साफ साफ हो रहा है कि ब्याज निकालना है फर्स्ट में 16 को, ठीक है सर, तो मन ठीक हमारा है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 10 11 दो महीना होता है, 10 और 11 दो महीना, रेट कितना परसेंट था, रेट रेट 10 परसेंट था ना, 10%। ये कितना होता है मेरा, 4 3 12 बचा हमारा 3, ठीक है 37.5। ये हमारा कितना होता है 1015%, जीरो कट गया, ये हो गया 20 200/12, ये आता है हमारा 100/6, 6 × 6 16.7, 7 × 12 के 2, 7 × 6 13, 14 × 4 4 कितना हो गया 5। गुड, बुक में जो आंसर दिया है वो सही है, लेकिन वो जो रेट दिया है वो 12% से निकाला है, किसने निकाला है सर, 12% से, कितना से, बुक में दिया 79.17, 79.17। तो ये आपका जो बुक में है 10% दिया है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया है वो इंटरेस्ट का कितना रेट से दिया है, 12%। अब 12% निकालेंगे 79.17, तो बेसिकली हमारा 10% से इंटरेस्ट कितना निकलेगा 54 पॉइंट, यहाँ कितना लिखेंगे 54 पॉइंट 54.2। तो बेसिकली ये आपका टोटली 11 क्वेश्चन हुआ।